ओहो, शानदार शानदार शानदार। तो इस सीजन का सेकंड स्नोफॉल, वो भी 2 दिनों बाद ही। देखिए, प्रेडिक्ट हुआ था, फॉरकास्ट भी यही बता रहा था कि रात से स्नोफॉल स्टार्ट होने वाला है और आज पूरे दिन होने वाला है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घुमक्कड़। शायद दोस्तों, आज है 5 फरवरी और आज का तरोताज़ा खबर यह है कि मनाली में और इस सीज़न का और मनाली का भी सेकेंड स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखो, ज़बरदस्त तरीके से स्नोफॉल है। अभी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, पर भी अच्छा खासा हो रहा है और ये रात से ही हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा और क्लियर होता है तो मैं आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। अभी 2 दिन पहले काफ़ी रोना धोना लगा हुआ था कि यार, लग रहा है इस बार इस सीज़न में स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं 2 दिनों के अंदर यह सेकेंड स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ और अपडेट भी देता रहूँगा कि क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि देखिए स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। अगर ये रात से 2-3 बजे से स्नोफॉल हो रहा है और अगर ये पूरे दिन अगर आज चलता है, तब समझ लो कम से कम 3 फीट तो बर्फ हो ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है, जो इस सीज़न का फर्स्ट स्नो हुआ था अभी 2 दिन पहले, उसमें 1 फीट कम से कम बर्फ जम गया है। अगर ये होता है तो फिर ये 2-3 फीट कम से कम हो जाएंगे। अभी काफ़ी हैवी तो नहीं हो रहा है, पर अच्छा खासा स्नोफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आज अपडेट भी था कि आज पूरे दिन स्नोफॉल यहाँ होने वाला है। तो फॉरकास्ट जो बीबीसी के द्वारा था और भी जो दिए थे, वो उनकी फॉरकास्ट सही हो गई और आज देखिए हिल स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और कुछ टाइम बाद मैं चलूँगा नीचे और फिर इसको बढ़िया से इंजॉय किया जाएगा। स्नो में जानते हो आप, किसी भी चीज़ की खूबसूरती डबल हो जाती है। तो अभी ऐसा ही चल रहा है, हम आपको दिखाते हैं, आप इसको एंजॉय करो। ये नेचर की चीज़ें हैं दोस्तों, अपने हाथ में तो है नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अभी मैं जहाँ स्टे किया हूँ, वहाँ के बालकनी से मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ और अभी हम चलते हैं नीचे, और नीचे चलने के बाद स्नोफॉल के साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट होगा हमारा, आपको पूरा अपडेट मिलने वाला है। तो आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, और आप मनाली किस तरीके से आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। आप कैसे आ सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी है कि आप कैसे आ सकते हैं, ये जानकारी बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या अभी ऑप्शन बचा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो आइए आप चलते हैं नीचे और नीचे से इंजॉय करते हैं स्नो को। अब दोस्तों हम आ गए हैं नीचे, अपने हॉस्टल के नीचे आ गए हैं रोड पे, और स्नोफॉल अब तेज हो गया है। अब देखिए स्नोफॉल तेज तो हुआ ही है, साथ ही साथ मैं अभी चल रहा हूँ, जो कि मैं अभी हॉस्टल में रुका हुआ था, पिछले 2 दिन से हॉस्टल में था, लेकिन अब मैं चल रहा हूँ होटल में, क्योंकि मैंने एक होटल बुक किया है और आज मैं होटल में स्टे करने वाला हूँ। क्योंकि हॉस्टल में यार, अब ठीक है बजट में आप रह लोगे सही है, पर हॉस्टल में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब ऐसा स्नोफॉल होता है ना, तो फिर बैकअप की इशू आती है। जब स्नोफॉल होता है तो फिर बैकअप नहीं देते हैं यार, लाइट तो होती नहीं है, और फिर बैकअप का लोचा आता है कि 1 घंटे चला देंगे बैकअप और 1 घंटे में आपको चार्ज करना होगा हर एक चीज़। और होटल अगर आपका बढ़िया होटल देगा तो होटल तो यार अच्छा खासा बैकअप देता है, तो इशू कम होते हैं। जो कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो चेक इन का मैं पूछने जा रहा हूँ कि अभी चेक इन अलाउ है कि नहीं, क्योंकि 12 बजे चेक इन होता है। तो अभी मैं देखता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, चेक इन अगर ले लेते हैं तो अभी मैं हॉस्टल से होटल में शिफ्ट हो जाऊँगा यार, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत हो रही है। और अभी रूट्स आप देख रहे हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी कुछ टाइम बाद ये सब ब्लॉक होने वाले हैं। अभी रूट के नाम पे कुछ नहीं रह जाएगा दोस्तों। अब स्किप काफ़ी कर रही है गाड़ियाँ, अब आना इम्पॉसिबल हो गया है, और जो ऊपर है वो देखिए नीचे उतर रहे हैं, तो अब तो ऊपर पॉसिबल नहीं है गाड़ी आएगी। मुझे मेरा होटल मिल गया जो हमने बुक किया था, और मैं अपना एक बैग वहाँ रखा हूँ और अब जा रहा हूँ लगेज, जो मेरा बड़ा वाला बैग है वो मैं ला रहा हूँ और उसको ला के अब रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ चेकिंग अब कर लिया है, चेकिंग कर लिया है तो
हूँ हॉस्टल में रुकने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ से मैं अपना बैग लाता हूँ और इधर शिफ्ट कर देता हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाने वाला व्यू हूँ जहाँ मैं स्टे किया हूँ, वहाँ से व्यू भी बहुत शानदार आ रहा है कि मनाली का चीप एंड बेस्ट होटल है, मुझे बहुत शानदार लगा। तो एक अलग से उसका भी ब्लॉग बना देंगे जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से व्यू भी काफ़ी शानदार है, तो वो पूरा डिटेल उस ब्लॉग में रहेगा आपका। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ होटल पर और थोड़ा सा बर्फ मेरे बैग के ऊपर भी हो गए हैं, आप देख रहे हैं ये, और जो कि मैंने कुछ ही दूरी पर था तो मैंने कवर नहीं लगाया, सोचा कि नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा हो गया, तो मैं इसको भी मेरे को क्लीन करना पड़ेगा इसको जल्द से जल्द। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ और आए कि अपडेट नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद।